Hey guys, welcome to the VS Kitchen. आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दाल मखनी की रेसिपी. दाल मखनी की रेसिपी सुन के ऐसा लगता है पता नहीं दाल मखनी किस तरीके से बनाई जाती होगी, बहुत ही हार्ड होगी, बहुत ही टफ होगी. लेकिन आज हम आपको बहुत ही इजी तरीका दाल मखनी का बताने वाले हैं कि जब भी आपका मन करे आप इजी अपने घर में बना सकते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ली थी काली उड़द दाल, जिसको हमने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था. तो पानी में भिगोने के बाद उसको हमने अच्छे से इस तरीके से रगड़ रगड़ कर दाल को धो लिया है. तो धोने के बाद इसका जो कालेपन था सारा उतर चुका है. तो अब ये कुछ इस तरीके की दिख रही है. आप देख सकते हैं सर छिलका भी काफ़ी हद तक उतर गया है. कितनी साफ दाल हो गई है. दाल को साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है. और दाल का पकने का जो एक ट्रिक है हम आपको बता देते हैं. दाल का जो ये वाइट पार्ट है ये पकना बहुत ही ज़रूरी है. अगर ये नहीं पका तो इसके मतलब आपकी जो दाल मखनी है वो ख़राब हो जाएगी. ये वाइट पार्ट जो होता है इसका पकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसी के साथ हमने यहाँ पर लिए थे आधा कप राजमा. ये वाइट वाला राजमा है, इसको भी हमने दाल के साथ पूरी रात के लिए भिगो दिया था. तो अब ये भी फूल चुका है. तो दोनों दाल और राजमा फूल कर बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं. क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. यहाँ पर हमने एक बाउल दाल ली थी और आधा कप राजमा लिया था. तो ये फूल कर डबल हो चुके हैं. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. बनाने से पहले हम आपको इसको बता देते हैं कि हमने 7 से 8 बार रगड़ रगड़ के अच्छे से दाल को धो लिया है. इसके बाद आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी साफ लग रही है. दाल को एक बार साफ जरूर कर लें कि उसमें कोई किंकड़ विंकड़ तो नहीं है. उसके बाद हमने धो लिया है. अब हम लेंगे एक कुकर. कुकर के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे खड़े मसाले, जिसके अंदर हमने लिया है 2 तेजपात के पत्ते, 2 हरी इलायची, 2 काली इलायची, 1 जावित्री, 2 दालचीनी के टुकड़े और 10 से 12 लौंग. ये सारे के सारे हम कुकर के अंदर डाल देंगे. इसके बाद हम डालेंगे दाल और राजमा. ये हमारी काली दाल है लेकिन धुलने के बाद ही कुछ इस तरीके की ग्रीन ग्रीन दिख रही है. कैमरे में भी थोड़ा इसका कलर चेंज हो रहा है. काली वाली उड़द दाल ली है हमने यहाँ पर. तो कुकर के अंदर हमने सारी दाल राजमा सारे के सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं. इसके अंदर हम डालेंगे पानी. पानी हमें रखना है दाल से ऊपर. पानी हमें दाल से कुछ उंगली से नापे तो इतना ऊंचा या फिर इतना ऊंचा रखना ही होता है, तभी हमारी दाल गलती है. पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे नमक. नमक हम बाद में भी यूज करेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आधा नमक यहाँ पर डाल देंगे. अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो दाल और राजमा थे पूरी रात के भीगे हुए थे. इसे 4 से 5 सीटी के बाद हम इसको खोल कर देख लेंगे. अगर दाल हमारी या फिर राजमा गला नहीं है तो 2 से 3 सीटी हम और लगाएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी दाल के अंदर राजमे के अंदर 6 सीटी आई हैं. हमने आपको 4 से 5 बताई थी लेकिन 6 सीटी इसके अंदर आई हैं, तो हमने आपको वही बता दी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी हैं. हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं. आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी. दाल भी और राजमा भी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं. अगर हम इस तरीके से इसको घोटेंगे भी तो भी बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा. तो चलिए अब हम तैयार करते हैं इसका तड़का. तो तड़के के लिए हमने यहाँ पर ली है कढ़ाई. इसके अंदर हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल. आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं. यहाँ पर हम 3 लेंगे. 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया. इसको हम गरम कर लेंगे. तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. ये डालने के बाद इसके अंदर साथ में हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट. यहाँ पर हमने 1 बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको हमने पेस्ट बना लिया है. गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे. आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं. अच्छे से भून लेंगे इसको. तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से भून चुका है. तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी हम गार्निश के लिए बचा लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, क्योंकि हम यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे. थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे. इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर
1 टीस्पून नमक, अब टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि हमने जब सीटी लगाई थी तब भी हमने नमक डाला था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर नमक का यूज करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। मसाला डालते हुए गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दें, नहीं तो आपके सारे मसाले जल जाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधे कप के करीब पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम के बीच में कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे दाल और राजमा, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी, लेकिन पानी डालने से पहले जैसे ही हम दाल और राजमे को सारे मसाले यानी कि तड़के के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद हम चम्मच से इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे यानी कि दबा देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा हमारी दाल मखनी है बहुत ही टेस्टी लगे, दाल बिखरी हुई बिल्कुल भी दिखाई ना दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारी जो दाल है बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये करना पसंद नहीं है तो आप थोड़ी सी दाल लें, मिक्सी जार में डाल लें और उसको एकदम बारीक करके पीस लें और इसके साथ मिला दें, वो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, एक बड़ा गिलास भर के पानी डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम के बीच में करके इसको ढककर हम पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद दाल को इस तरीके से चला देंगे, देख सकते हैं कि दाल बहुत ही बढ़िया होनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अमूल फ्रेश क्रीम, जिससे हमारी दाल का टेस्ट जो है दाल मखनी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर से हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर। तो 5 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे बटर, इसके बिना तो दाल मखनी बनती ही नहीं है, तो फिर बटर डाल देंगे। वापिस से हम इसको 3 से 4 मिनट पका लेंगे, उसके बाद हमारी दाल मखनी बनकर एकदम रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल मखनी है वो बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरीके की है। तो बस अब हम गैस को अपने ऑफ कर देंगे, तो 5 से 10 मिनट के लिए हम दाल को ढककर रख देंगे, उसके बाद हम दाल को सर्व करेंगे, जिससे दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दाल मखनी को बाउल में सर्व कर लिया है, इसके अंदर हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम के साथ हमने दाल मखनी को गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी दाल मखनी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, आपने देखा कि इसको बनाना कितना ईजी है, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है और हमने आपको ट्रिक भी बताई है, उस ट्रिक के साथ आप दाल मखनी बनाएंगे तो आपकी दाल मखनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अगर आपको हमारी आज की ये दाल मखनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल द वी एस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।